जो भी हम करते हैं, क्या हम खुद से करते हैं या इस समाज का, इस सोसाइटी का भी बहुत बड़ा हाथ है हमारे हर काम में, हर फैसले में। इसी एक सवाल से जुड़ी हुई है हमारी ये आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी फॉर यू पे। मेरा नाम है हरमन और अगले कुछ मिनटों तक मैं आपके साथ इसी सवाल के ऊपर बात करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक इंसान जो भी करता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक इंसान कोई क्राइम करता है, हम अक्सर मानते हैं कि वो इंडिविजुअल ही 100% रिस्पॉन्सिबल है, उसे ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट कुछ विचारकों का एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा भी है जो मानता है कि इंडिविजुअल उस क्राइम के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि इंसान बस एक जरिया है, असल में समाज का, सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंसान के हर एक्ट के पीछे, हर डिसीजन के पीछे। ओनली इंडिविजुअल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट दे डू। और इतना ही नहीं, ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है सोसाइटी का मेजर रोल है इंसान के लाइफ के डिसीजंस में, थॉट्स में और उसके फैसलों में। और इसी से सोशियोलॉजी अपने इनिशियल फेजेस के अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट्स में बढ़ जाता है। एक को कहते हैं मैक्रो सोशियोलॉजी और दूसरे को कहते हैं माइक्रो सोशियोलॉजी। चलिए इस डिबेट के बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं। मैक्रो सोशियोलॉजी का कहना है समाज को, सोसाइटी को समझने के लिए इंडिविजुअल्स का रोल इम्पोर्टेंट नहीं है। समाज में जो होता है इसके इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया जाता है, इंसान बस वैसा ही करता है जैसा समाज उससे करवाना चाहता है। इंसान वही सोचता है जो समाज चाहता है कि इंसान सोचे। अब ये बात हमें हजम करनी टफ लगेगी, तो गहराई से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोसाइटी एज अ होल अगर किसी चीज को बुरा कहती है तो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स भी उसको बुरा कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में लिव इन रिलेशनशिप, एक लड़के और लड़की का बिना शादी किए एक साथ रहना, मोस्टली इसको बुरा समझा जाता है। क्यों? मोस्टली ऐसे कपल्स को खुद की फैमिली से, आस पड़ोस के लोगों से, रिलेटिव से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। और ये सब लोग उनका विरोध अपने खुद के विचारों की वजह से नहीं कर रहे, वो लिव इन रिलेशनशिप के अगेंस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उनको लगता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि सारा समाज एज अ होल लिव इन रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। तो इस तरह मैक्रो सोशियोलॉजी के विचारक कहते हैं कि एक समाज में सही गलत की परिभाषा क्या है, फैमिली के अंदर कैसे रहना चाहिए, मैरिज के अंदर क्या सही है क्या गलत है, एजुकेशन के अंदर क्या होना चाहिए, इस सब चीज़ों को सोसाइटी एज अ होल डिसाइड करती है। और इंडिविजुअल्स अपने ज़िंदगी के सारे फैसले असल में खुद ना लेकर सोसाइटी के बताए हुए रास्ते के अकॉर्डिंग लेते हैं। एक इंडिविजुअल क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या फैसले लेता है, इसमें उसका रोल एक प्यादे के जितना ही है। असल में उसका रिमोट कंट्रोल सोसाइटी के पास होता है। मैक्रो सोशियोलॉजी को मानने वाले मेजर विचारकों में बहुत इंपॉर्टेंट हैं कार्ल मार्क्स, इमाइल डुर्खाइम, और इनका नाम सबसे पहले आता है इस स्कूल ऑफ थॉट। इसी के ऑपोजिट एक और स्कूल ऑफ थॉट भी है जो हम इंडिविजुअल्स को एक मोहरे या प्यादे की तरह नहीं मानता, जो मैक्रो सोशियोलॉजी के बिल्कुल ऑपोजिट बात करता है। स्कूल ऑफ थॉट का कहना है सोसाइटी ही सब कुछ नहीं है, इंडिविजुअल्स सोसाइटी के हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं है, वो खुद अपने मोटिवेशन से सब कुछ डिसाइड करते हैं, अपने समझ और अपनी सोच से चीजें करते हैं। इंसान की कैपेसिटी, उसकी मोटिवेशन जो उसके माइंड से निकल के आती है, वो सोसाइटी को कंट्रोल करती है, और इंसान रियलिटी में सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, बनाते हैं और चलाते हैं। इस स्कूल ऑफ थॉट को सोशियोलॉजी में माइक्रो सोशियोलॉजी कहा गया। ओवरऑल माइक्रो सोशियोलॉजी का मानना है कि इंडिविजुअल्स उनकी मोटिवेशंस प्राइमरी हैं, सोसाइटी उसका रिजल्ट है। सोसाइटी कैसी होगी, उसकी एग्जिस्टेंस इंडिविजुअल्स से फ्लो होती है। इस स्कूल ऑफ थॉट में सबसे इंपॉर्टेंट नाम मैक्स वेबर का है, जिन्होंने अपनी थ्योरी से, अपनी बातों से इंडिविजुअल्स को प्राइमरी दी और सोसाइटी को समझने के लिए एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दिया। चलिए माइक्रो सोशियोलॉजी को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैक्रो सोशियोलॉजी सही है
तो एक इंडिविजुअल जो सोसाइटी की बताई हुई बातों से सहमत नहीं है, तो वो जो उनकी उसकी सोसाइटी के ऑपोजिट बात कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर रेवोल्यूशन कैसे लेकर आ पाता है? अगर हम अपने रिलीजन्स की बात करें, तो कैसे इंडिविजुअल्स ने पूरी की पूरी सोसाइटीज को चेंज कर दिया, पूरी सोसाइटी के अंदर क्रांति पैदा कर दी? कैसे एक कृष्ण, एक नानक, एक मोहम्मद का जन्म होता है और उनके विचार पूरे समाज को बदल देते हैं? और वो ये कैसे कर पाते हैं अगर सोसाइटी ही ऑल पावरफुल है और वो ही डिसाइड करती है? अगर इंडिविजुअल्स प्यादे होते तो ये इंडिविजुअल्स इस लेवल तक सोसाइटी को कभी बदल ही ना पाते। आज सोशियोलॉजी इस डिबेट में फंसी ना रहकर आगे बढ़ चुकी है। मैक्रो सोशियोलॉजी सही है या माइक्रो सोशियोलॉजी सही है, ये अब क्वेश्चन उठाया नहीं जाता। दोनों को इक्वल ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। आज सोशियोलॉजी के अंदर दोनों स्कूल ऑफ थॉट प्रोमिनेंट हैं। अगर पूरे समाज को एज अ होल स्टडी करना हो, तो हम सोशियोलॉजी, मैक्रो सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू को प्राइमेसी देते हैं। अगर इंडिविजुअल सेंट्रिक फिनोमिना को स्टडी करना हो, तो माइक्रो सोशियोलॉजी के प्रिंसिपल्स का सहारा लिया जाता है। और इससे दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज, दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स आज मीजो स्कूल ऑफ थॉट बन के सामने आ गए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मैक्रो सोशियोलॉजी और माइक्रो सोशियोलॉजी की इस इम्पॉर्टेंट डिबेट को मैं आपके सामने अच्छी तरह रख पाया हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और सोशियोलॉजी से जुड़ी हुई ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन सोशियोलॉजी फॉर यू।